हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हो आप सब। मैं आज UKG का इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, जो आप लोगों को स्कूल खुलने के बाद इसे आंसर के साथ सबमिट करना है। सो, पहला क्वेश्चंस है, राइट द मिसिंग लेटर इन द वर्ड्स। इन सभी वर्ड्स में कुछ लेटर्स मिसिंग है, जिसे आप लोगों को कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो फर्स्ट है एप्पल, APP मिसिंग है, LE मिसिंग है। इसी तरीके से बॉल, एलिफेंट, कॉट, आइसक्रीम, पैरोट, टाइगर, याक, जेब्रा, इन सभी में कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग है, जो आप लोगों को सब भर कर इसे सबमिट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ऑफ भवेल ए। भवेल ए को भरने से पहले हमें पहले भवेल को समझना होगा। ओके, तो चलिए पहले भवेल समझते हैं। भवेल समझने से पहले थोड़ा देखेंगे अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं। अब लेटर्स को हिंदी में अक्षर बोलते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं A to Z? 26। अब ये 26 लेटर्स को दो साइड में बांटा गया है, एक भवेल स्वर, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब भवेल किसे कहते हैं, AEIOU, ये भवेल है। और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, व्यंजन, BCDEFGHJKLMNPQRSTVWXY और Z, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब पहले भवेल समझते हैं। भवेल में ये जो पांचों लेटर्स हैं, इन सभी से हम लोगों को कुछ वर्ड्स बनाने हैं, जैसे मैं होमवर्क में आप लोगों को दी हूँ। सो, पहले से समझते हैं ये ए का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी इसमें देखना है, ANT मीन्स चीटी, AXE मीन्स कुल्हाड़ी, CAT जरूरी नहीं कि ए सिर्फ फर्स्ट या लास्ट में हो, ये मिडिल में भी होता है, लास्ट में भी होता है, फर्स्ट में भी होता है। और इसे समझने के लिए देखिए, फिर से एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, ANT, एंट मीन्स चीटी, AXE, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, CAT, कैट मीन्स बिल्ली। वैसे ई में है EGG, एग मीन्स अंडा, RED, रेड मीन्स लाल, NET, नेट मीन्स जाल। अब आइए देखिए क्वेश्चंस। देखिए साउंड ऑफ भवेल ए, अब यहाँ पे ए भरना है हमें, AXE, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। अब यहाँ पे भी ए ही भरना है, साउंड ऑफ भवेल ए बोला गया है, हाँ, इसीलिए ए इसमें भी यूज़ होगा। ओके, इसका क्वेश्चन एक और होता है यूज़ ऑफ ए, यानी कि ए का ही उपयोग करना है। ओके, वैसे ANT, एंट, ऐप, रैट, कैप, कैट, मैन, भैन, याक, इन सभी में ए का यूज़ होगा। और ई का जैसे मैं बताई थी साउंड ऑफ भवेल ई, EGG, इसमें सिर्फ ई का यूज़ होगा। ओके, EGG, एग मीन्स अंडा। वैसे एलिफेंट, पेन, लेग, की, हैन, टेन, टी, नेट, बेल, इन सभी में ई का यूज़ होगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ए और एन। जैसे कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, चलिए जानते हैं। एन का यूज़ हम लोग भवेल में करते हैं, जैसे AEIOU, ये जहाँ फर्स्ट लेटर में होगा वहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करते हैं। और कॉन्सनेंट में यूज़ करते हैं हम लोग ए, क्या यूज़ करते हैं, ए। और कॉन्सनेंट में भी जो कॉन्सनेंट का फर्स्ट लेटर होगा उसी में ए का यूज़ होता है, और जो भवेल का फर्स्ट लेटर होगा उसी में एन यूज़ होता है। ए और एन का हिंदी होता है एक, जैसे एप्पल, एप्पल में ए फर्स्ट लेटर है, सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही देखना है, फर्स्ट लेटर में ए है, तो यानी यहाँ पे भवेल है, तो भवेल में क्या लगता है, एन, इसलिए यहाँ पे एन लिखेंगे। ओके, और वैसे ही बैट, बैट में बी कॉन्सनेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए। एंड नेक्स्ट है कैट,
कैट भी क्या है, सी क्या है, कॉन्सनेंट है, कॉन्सनेंट है, यानी कि यहाँ पे ए लगेगा। वैसे ही आउल, एग, लायन, पेन, बुक और बॉल, इन सभी में फर्स्ट लेटर को ही देखना है, कॉन्सनेंट कौन सा है और वोवेल कौन सा है, तभी हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे, ओके। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है राइटिंग बुक। राइटिंग बुक आप सभी के पास होगा, आप सभी को ए टू जे तक स्मॉल और कैपिटल लेटर वाला राइटिंग लिख कर लाना है। कहाँ तक लिख कर लाना है? ए टू जेड, ए टू जे, ओके। सिक्स क्वेश्चन है फ्लावर नेम 10, फ्रूट नेम 10, वेजिटेबल नेम 10, ओके। इसको याद करके और लिख कर लाना है, ओके। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू। कल मैं और भविल बताऊंगी, ओके।